नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीरोडॉल पी टैबलेट के बारे में। जैसे कि दोस्तों, इसके उपयोग दर्द और बुखार इन दोनों को ही ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आइए अधिक विस्तार से जानते हैं कौन इसे मैन्युफैक्चरिंग करता है, कौन से इंग्रेडिएंट्स इस जीरोडॉल पी टैबलेट में यूज़ किए गए हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो के एंड में जानेंगे यदि आप इस जीरोडॉल पी टैबलेट को लेते हैं क्या क्या आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेडिसिन विद स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, इसके उपयोग दर्द और बुखार इन दोनों को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर इसके ऊपर उपयोग किए जाने इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों, दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन उपयोग किए गए हैं। पहला एसिक्लोफिनेक 100 mg एंड दूसरा पैरासीटामोल 325 mg। दोस्तों, इपका लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी द्वारा इस जीरोडॉल पी टैबलेट को मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। अगर इसके मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों, 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप आती है जिसका MRP 73 रुपीज़ है। और दोस्तों, इसका जो MRP है वो समय के साथ कम ज़्यादा होते रहते हैं। अगर एसिक्लोफिनेक के बारे में बात करें तो दोस्तों, एसिक्लोफिनेक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटिक ड्रग है। वहीं पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटिक ड्रग है। अगर इसके यूजेस के बारे में बात करें दोस्तों, इसके उपयोग बॉडी के अंदर किसी भी तरह का दर्द को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे जॉइंट पेन, मसल पेन, आई पेन, एयर पेन, टूथ पेन, हेडेक, फीवर, वायरल फीवर, निमोनिया फीवर। दोस्तों, बॉडी के अंदर किसी भी तरह का दर्द को ठीक करने के लिए इस जीरोडॉल पी टैबलेट के उपयोग किए जाते हैं। अगर इसके डोसेज के बारे में बात करें तो दोस्तों, एक एडल्ट व्यक्ति सुबह एक गोली तथा शाम एक गोली दिन में 2 बार ले पाएंगे। अभी हम जान लेते हैं यदि आप इस जीरोडॉल पी टैबलेट को लेते हैं क्या क्या आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके तो ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट देखने को मिल जाती है। जैसे नौजिया, वोमिटिंग, इनडाइजेशन, हार्ट बर्न, लॉस ऑफ एपेटाइट। यदि इनमें से किसी भी तरह का साइड इफेक्ट आपको इस जीरोडॉल पी टैबलेट को लेने के बाद देखने को मिलती है, इस टैबलेट को आप लेना तुरंत बंद कर दें और आपके नज़दीक किसी डॉक्टर से परामर्श करें। अभी बात कर लेते हैं प्रिकॉशन के बारे में। कौन कौन सा बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इस जीरोडॉल पी टैबलेट को लेना है। दोस्तों, लेते समय इसका एक्सपायरी चेक कर ले, ओवरडोज इसे उपयोग ना करें। और दोस्तों, ये शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। इस दवाई को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार परामर्श जरूर करें। प्रेगनेंसी लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी इस जीरोडॉल पी टैबलेट को नहीं लेना है। यदि आप एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल लेने से पहले या फिर लेने का बाद में आपको इस जीरोडॉल पी टैबलेट को कंज्यूम नहीं करना है। दोस्तों, ड्राइव करते वक्त भी आप इस जीरोडॉल पी टैबलेट को कंज्यूम ना करें। तो दोस्तों, ये इसके कुछ प्रिकॉशन थे। जैसे कि दोस्तों, इसके उपयोग दर्द और बुखार इन दोनों को ही ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बॉडी के अंदर किसी भी तरह का दर्द को ठीक करने के लिए आप इस जीरोडॉल पी टैबलेट को उपयोग कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जीरोडॉल पी टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट में और एक न्यू मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।